जिले के जोबनेर कस्बे में स्थित अभ्यास डिफेंस अकेडमी के मैदान में आगामी 24 जनवरी को आयोजित होने वाली दौड़ प्रतियोगिता के पोस्टर का विमोचन सोमवार को मां भारती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में निदेशक यशपाल चौधरी, सिनोदिया सरपंच त्रिधारी लाल कुंभारी, युवा नेता रोशन खद्दा, तक्षशिला गुरुकुल कोचिंग निदेशक बलवीर कुंडा द्वारा किया। यशपाल चौधरी ने बताया कि दौड़ प्रतियोगिता में 1600 मीटर दूरी की दौड़ करवाई गई, जिसमें प्रथम स्थान पर रहने वाले धावक को एक बाइक, दूसरे स्थान पर रहने वाले को 11,000 रुपए और तृतीय स्थान पर रहने वाले को 5100 रुपए व प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। प्रतियोगिता में धावक 10वीं कक्षा की मार्कशीट के साथ 500 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस जमा करवा कर भाग ले सकते। प्रतियोगिता में 17 से 25 साल तक के धावक भाग ले सकते। बता दें कि इस मौके पर मदन बाना, अशोक कुमार कुमावत, राम गोपाल कुमावत, कैलाश मीणा, मुकेश कलवानिया, जगदीश चौधरी, पंकज यादव सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित थे। बांसवाड़ा जिले के तलवाड़ा पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम रामोर बड्डी में 2 मोर मरे हुए पाए गए। सूचना पर बांसवाड़ा जिला रोग निदान प्रयोगशाला बांसवाड़ा तहसील मौके पर पहुंची और वहां पर पोल्ट्री की जानकारी दी। जिला रोग निदान प्रयोगशाला बांसवाड़ा के डॉक्टर विशाल मेहता ने मृत मोरों का संकलन कर वन विभाग को मृत मोरों की जानकारी दी और बर्ड फ्लू गाइड के अनुसार उन्हें नष्ट किया गया। वहीं जिस जगह पर मृत मोर मिले उस जगह पर सोडियम हाइड्रोक्लोराइड घोल का छिड़काव भी कराया गया। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए वन विभाग की टीम एवं रोग निदान की ओर से सतर्कता बरती जा रही है। बीते सोमवार उपवास की पावन धरा पर मां दुर्गे शिक्षण संस्थान विद्यालय में श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना की जिला स्तरीय मीटिंग का आयोजन हुआ। बीते सोमवार उपवास की पावन धरा पर मां दुर्गे शिक्षण संस्थान विद्यालय में श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना की जिला स्तरीय मीटिंग का आयोजन हुआ। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र सिंह कटार के निर्देशानुसार कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें विशिष्ट अतिथि भरतपुर जिला अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह नरुका, गुरदीप सिंह टोनू बना नरुका और अजय सिंह परमार थे। मीटिंग की अध्यक्षता मनीष परमार जिला संगठन मंत्री और धीरेन्द्र सिंह सिरसौदा जिला उपाध्यक्ष ने। मीटिंग का मुख्य उद्देश्य कार्यकारिणी का विस्तार करना था। मंच संचालन सौरभ सिंह सिकरवार जिला महासचिव द्वारा किया। इस मीटिंग को भव्य बनाने में बयाना तहसील टीम व भरतपुर तहसील टीम का पूर्ण योगदान। बाहर से पधारे हुए सभी कर्णी सैनिकों का रूपबाग तहसील टीम के द्वारा भव्य स्वागत कर मान सम्मान किया गया। पंचायत समिति रामगढ़ के सरपंच संघ द्वारा सोमवार को खंड अधिकारी एवं विकास अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि 24 दिसंबर 2020 को निर्देशक कोष एवं लेखा राजस्थान सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों के प्यास रहित पीड़िता के खोले जाकर संवैधानिक अधिकारों में कटौती सरकार द्वारा की जा रही, जिससे कि रामगढ़ पंचायत समिति की सभी 44 ग्राम पंचायतों के सरपंचों एवं विकास अधिकारियों में भारी रोष व्याप्त है। इस दौरान सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं मौजूद विकास अधिकारियों द्वारा पूर्व में सरकार द्वारा वित्त अधिकारों में की जा रही कटौती के आदेशों को चलाकर उपखंड अधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन भी किया। अमित कुमार भारद्वाज माखनलाल के हत्यारों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग को लेकर सोमवार को रामगढ़ सैनिक समाज की ओर से एक ज्ञापन राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम रामगढ़ उपखंड अधिकारी कैलाश चंद्र शर्मा को सौंपा गया। ज्ञापन एडवोकेट रोहिताश सैनिक के नेतृत्व में सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से सैनिक समाज ने भरतपुर जिले के सीकरी अंतर्गत झंझार गांव के रामगढ़ियाबाद में रहने वाले माखनलाल को अज्ञात लोगों द्वारा हत्या कर शव मिला, जिसमें परिवारजनों द्वारा संदेह जताते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई गई। मामले में पुलिस हत्यारों को आज तक नहीं पकड़ पाई। इसको लेकर रामगढ़ सैनिक समाज ने शीघ्र ही माखनलाल के सभी हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग की व 5 लाख रुपए का मुआवजा परिवार को तथा परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की। बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मधुर बुलेटिन।